समय के आगे किसकी चली है, एक वक्त के बादशाह लेकिन आज मोहताज होते हैं अपनी कब्र को साफ सुथरा देखने के लिए भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको बिहार रोहतास के सासाराम में लेकर आ गया हूं। और दोस्तों यहां पर आज हम एक ऐसे बादशाह की कब्र दिखाने वाले हैं जो अपने समय में तो काफ़ी मजबूत थे, लेकिन आज उनकी इस मकबरे की हालत को देखकर आप समझ जाएंगे कि समय ने अच्छे अच्छे बादशाहों को भी पछाड़ दिया है। दोस्तों सामने की तरफ आप शेरशाह सूरी के बेटे की एक मकबरे को देख रहे होंगे जिनका वास्तविक नाम था जलाल खान और जिनको इस्लाम शाह की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। और वास्तव में अक्सर लोग इनको कहते हैं सलीम शाह सूरी। और सामने की तरफ जो भी आपको नज़ारा दिखाई दे रहा है ये अधूरा मकबरा रह गया था, लेकिन जितना भी बना वो भी काफ़ी खूबसूरत ज़रूर था, पर आज के वक्त में ये पूरा मकबरा ज़्यादातर ज़मीनोंदोज होता जा रहा है। बाहरी हिस्से में केवल इसकी जो आर्च है वही बची हुई है, लेकिन यहाँ पर कुछ खूबियाँ हैं जो हम देख सकते हैं, जैसे कि इसके बेस वाले हिस्से में तकरीबन 8 से 10 फीट पत्थर लगाकर इसको ऊंचाई दी गई है और उसके ऊपर ये जो मकबरा है ये स्वयं जलाल खां ने अपने ही शासनकाल में शुरू कर दिया था। तो इनका शासनकाल का जो वक्त शुरू होता है वो है 1545 से लेकर 1553 का वक्त, क्योंकि 1545 के समय में शेरशाह सूरी ने अपने जीवन के अंतिम सांसें ली थी और उसके बाद में शेरशाह सूरी के दो बेटे थे जो कि राजगद्दी पर बैठने के लिए तैयार थे। एक का नाम था आदिल खां सूरी, दूसरे का नाम था जलाल खां सूरी। आदिल खां बड़े थे, शेरशाह सूरी चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा ही राजगद्दी पर बैठे, लेकिन वास्तव में जलाल खां सूरी उस समय के कह सकते हैं योद्धा वीर चतुर चालाक व्यक्तियों में से भी शामिल थे। अपने ही पिता की तरह उनके अंदर भी एक जुनून था बादशाहत का। तो जब वो राजगद्दी पर बैठे अपने पिता की मृत्यु के बाद में, तो उन्होंने इस स्थान पर सबसे पहले तो अपने दादा हसन खां सूरी, अपने पिता शेर शाह सूरी और अपना खुद का मकबरा तैयार करवाना शुरू किया। वो चाहते थे कि उनके पिता और दादा की तरह उनका मकबरा भी काफ़ी भव्य दिखे, लेकिन आज आप यहाँ से जो नज़ारा देख रहे हैं वो नज़ारा चारों तरफ से केवल पत्थर ही बिखरे हुए हैं इसके अंदर। और इनका जो बेस है उसको देखकर तो ये मालूमात होता है कि शायद ये बहुत बड़ा मकबरा बनने के लिए तैयार होगा। हम थोड़ा सा इस पूरे मकबरे का राउंड अराउंड ले लेते हैं और जिससे कि हम उस समय की वास्तुकला को भी समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए एक मुस्लिम जो वर्ड है, इस्लामिक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है और इसे अल्लाह बोलते हैं, यानी कि अपने इन स्थानों पे पाक पवित्र रखने के लिए अल्लाह शब्द का इस्तेमाल ही अक्सर करवाया करते थे। इधर जो पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं वो ग्रे और लाइट येलो स्टोन है। इधर देखिए कितने बड़े बड़े पत्थरों की तामीर रखी गई थी यहाँ पर इस मकबरे को बनवाने के लिए। दो चीज़ें देखने को मिलेंगी कि बाहरी हिस्से में तो इस प्रकार के पत्थर लगते थे, लेकिन अंदर वाला जो कंस्ट्रक्शन था वहाँ पर एक रबल बनाया जाता था और जिसके अंदर उबड़ खाबड़ पत्थर भी आपको देखने को अक्सर मिल ही जाएंगे। तो बाहरी इनका जो वास्तविक स्ट्रक्चर था वो कुछ इस प्रकार का ही हुआ करता था। यदि दोस्तों हम बात करते हैं इसके अंदरूनी भाग की, तो यहाँ पर काफ़ी सारी हमें जो ग्रेव्स हैं, जो कब्र हैं, वो आज भी साक्षात तौर पर अपीयर हो रही हैं, देखने को मिल रही हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, बात बढ़ जाती है उस समय की जब हम बात करते हैं इनके कंस्ट्रक्टर की। उनका नाम था मीर मोहम्मद अल्लावल खान, उनका भी मकबरा इसी स्थान पर है और वो भी आज के वक्त में सांपों का डेरा बन चुका है। इतनी सारी झाड़ियाँ वहाँ पर जहाँ पर जाने में डर लगता है। तो पहले हम इस पूरे हिस्से में कवर कर लेते हैं और इन्हीं में से जो एक कब्र है वो है इस्लाम शाह सूरी की। इस्लाम शाह सूरी उस वक्त सत्ता पर काबिज थे जब उनके पिता ने सब कुछ उन्हें बना बनाया दे दिया था और 1545 का समय सूरी राजवंश और मुगलों के हुमायूं के बीच में लड़ाई का वो दौर था जब हुमायूं भी चाहते थे दिल्ली पर अपनी सत्ता वापस पाने के लिए।
तो उसी समय इस्लाम शाह सूरी ने दिल्ली में भी लाल किले के पास में एक बहुत बड़ा किला बनवाया था, जिसे सलीमगढ़ के किले के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका जो ये मकबरा है, ये एक तो अधूरा रह गया था क्योंकि 1553 में इनकी मृत्यु हो गई थी, और जो इनका बेटा था फिरोज़, उनको मात्र गद्दी पर बैठने के 3 दिनों के बाद में ही उन्हीं के मामा आदिल शाह ने मार दिया था। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर उनका बेटा फिरोज़ बसता तो शायद हो सकता है कि वो भी अपने पिता की इस कब्र को काफ़ी शानदार बना देता। लेकिन आज के वक्त में जितना भी हमें हिस्सा दिखाई दे रहा है, उससे ये ज़रूर पता लगता है कि बादशाहतों के वो शहज़ादे, वो राजा महाराजा अपने हुक्मरान के अंदर तो काफ़ी पावरफुल थे ही, लेकिन उनके मरणोपरांत उनकी कब्र का क्या हश्र हुआ, उनके वजूद कहाँ मिट गए, इस बात का पता लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना 1540 में कर दी थी, और 1555 का वो वक्त जब सिकंदर शाह सूरी को हरा दिया था हुमायूं ने, और सूरी राजवंश समाप्त हो गया था। तो दोस्तों, पूरे सूर साम्राज्य के अंदर इनके जो परदादा हैं इब्राहिम अली खां सूरी और हसन खां सूरी, ये अफ़गानिस्तान से आए थे। पहले इन्होंने डेरा डाला था अपना पंजाब में, फिर ये गए थे जौनपुर में, फिर आए थे बिहार के सासाराम में। जो इनके दादा थे इब्राहिम अली खां सूरी, वो तो चले गए थे नारनौल में, उनको जागीरदार मिल गई थी। हसन खां सूरी को मिली थी जागीरदार यहाँ की, और हसन खां सूरी का बेटा था शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी का बेटा था जलाल खां, जिनके आज मकबरे हम यहाँ पे खड़े हैं। तो दोस्तों, इस पूरी ऐतिहासिक चीज़ों को देखने के बाद में हमें ये तो लगता है कि एक वक्त की भव्य इमारतें ये ज़रूर रही होंगी। अब मैं थोड़ा सा आपको बाहर का नज़ारा भी दिखा दूंगा, ताकि आपको ये पता लग जाए कि अपने पिता की कब्र के जैसे यहाँ पर एक बहुत शानदार बाहर की तरफ आज के समय भी एक पानी से भरा हुआ हिस्सा बना हुआ है। इस्लाम शाह सूरी के मकबरे के बाहरी हिस्से में जो आज का ये पानी का कलेक्शन आप देख रहे हैं, ये तो खैर मौसम की वजह से भी हो गया कलेक्ट, कुछ यहाँ पर आसपास के घरों ने भी अपना पानी छोड़ दिया इसलिए कलेक्ट हो गया। लेकिन एक वक्त पहले इस पूरे हिस्से में एक लंबी कतार के अंदर बहुत बड़ा पुल बना हुआ था, और उस पुल के माध्यम से हम इस हिस्से में आ सकते थे, और उस पुल के अंदर प्रॉपर आर्च भी थी, जो कि आज के वक्त में तो यहाँ से बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है, बिल्कुल ज़मीन के अंदर और पानी के बीच में दब चुकी है। लेकिन वो एक आर्च जो थी वो दिखती थी। आज के वक्त में यहाँ पे लोग कुछ कपड़े भी धोते हैं, और पानी मेरे को तो काफ़ी गंदा लग रहा है, ये इसमें मच्छर वगैरह बहुत हो गया, लेकिन एक वक्त पहले का जो पानी था ये बिल्कुल साफ़ रहता था। और इसे यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इस्लाम शाह सूरी का रोज़ा के नाम से जानते हैं। यहाँ आने के लिए आपको जो पास में ही एक रोड गुजरता है आपका, जिसको बोलते हैं जीटी रोड, जिसकी शुरुआत करती थी शेरशाह सूरी ने अपने समय में, और वो तकरीबन बिहार से लेकर अफ़गानिस्तान तक वो रोड जाता था। रुपया नामक जो करेंसी है उसकी शुरुआत भी शेरशाह सूरी के समय में ही की गई थी, इसलिए शेरशाह सूरी का अपने समय के अंदर में काफ़ी योगदान रहा है काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।